नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करो मुख्य समाचार से। धनुषाय मोटरसाइकिल ठोकर देला से एक पुरुष की घटनास्थल में मृत्यु। जनतावास कार्यक्रम सुस्त, महोत्तरी का विपन्न वर्ग जार में सीओ घर नहीं पौलक। ठंडी बढ़ला संगे आई पैक घायल भेनियार का संख्या बढ़ल। शीतलहर से पीड़ित के गर्म कपड़ा वितरण शुरू। विमान खरीद में 4 अरब 35 करोड़ से बेसी का भ्रष्टाचार। मंत्री अधिकारी दू सचिव महाबंधन सहित संलग्नता रहल लेखा उप समिति का ठहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग के लीग में लगातार 4 जीत निकालल। अब समाचार विस्तार में। धनुषा में मोटरसाइकिल ठोकर देला से एक पुरुष के घटनास्थल में मृत्यु भेल। धनुषा के मुखियापट्टी मुसनिय गांवपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित। बुध का रात करीब 8:15 बजे के समय में स्थानीय वर्ष 60 के राम आशीष यादव के ठोकर देला बाद घटनास्थल में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक। मुखियापट्टी वार्ड नंबर 1 स्थित बाटे में जात रहल यादव के पछाड़ी से गेल J11P3885 नंबर के मोटरसाइकिल ठकल देला बाद हुनका तत्काल घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के अनुसार ठकर देल मोटरसाइकिल चालक पहचान भ चुकल तथा अखन फरार रहल। ठकर देल व्यक्ति से वही गाँव के रहला से मोटरसाइकिल के नंबर अनुसार खोज तलाश करते ओकर पहचान भ चुकल जनौलक। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम के सुनवल नगरपालिका 4 जामिरे में बीतल रात मोटरसाइकिल दुर्घटना में परिचालक के मृत्यु भेल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल रूपनदेही के सिद्धार्थ नगर नगरपालिका 35 वर्ष के विशाल गुरुंग के उपचार क्रम में पृथ्वी चंद्र अस्पताल परासी में मृत्यु भेल। बीतल रात 11:15 बजे लू 30P206 नंबर के मोटरसाइकिल नियंत्रण भ उल्टल छल। गरीब तथा विपन्न के लिए सरकार से आनल गेल जनतावास कार्यक्रम महोत्तरी में राहत देनाई के बदला समस्या दऽ रहल। आर्थिक सामाजिक रूप से पछा पड़ल वर्ग के जमीन सहित आर्थिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करवा कहित सरकार अन्य जनतावास कार्यक्रम से महोत्तरी के जनता लाभ उठाव नहीं सकल। महोत्तरी से दीपक पांडे एक रिपोर्ट। आवास विहीन सीमांतकृत दलित आ विपन्न मुस्लिम समुदाय के बसवासक लेल आवास उपलब्ध करेबाक उद्देश्य से आनल गेल जनता आवास कार्यक्रम और जिला जका प्रदेश नंबर 2 8 जिला में सेहो संचालन में रहल छे। कार्यक्रम अनुसार प्रदेश 2 में 1,000 दर से आवास विहीन सीमांतकृत दलित आ विपन्न मुस्लिम समुदायक लेल आवास निर्माण कयल जेबाक लक्ष्य छे। मुदा गरीब के घर देबाक उद्देश्य से शुरू कयल गेल जनता आवास कार्यक्रम गति लेब नहीं सकल छे। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग के आवास शाखा संचालन करत आयल ई कार्यक्रम प्रदेश सरकार में हस्तांतरण भेला बाद गति पाब नहीं सकल छे। प्रदेश में बजट आ कर्मचारी के अभाव तथा कार्यविधि समय में नहीं बनला से गरीबक लेल घर निर्माण काज ओझराहट में पड़ल छे। एहने अवस्था महोत्तरी में सेहो रहल छे। महोत्तरी में आर्थिक वर्ष 2073-74 में 1,000 मुसहर, माझी, महरा, पासवान, चमार, ततमा, खतवे सहितक दलित के घर बना देवाक सपना देखाओल गेल छल। एना का देखाओल गेल सपना विपना में परिणत होब नहीं सकल छे। एखनो ओ सब अधूरा घर देखत सरकार अपना सबके मजाक बनाकर राख देने बताब रहल छे। समस्या तो देखिए साल भर हो गए इम्हर उम्र बौआई की बाल बच्चा सब जरा कटना है यही समस्या है भारी साल भर से सब मुखिया सब तो देखबे करे छी घर बंद तहिया से हम सब वही में रहे छी ठंडा के मौसम ही साल भर से बेसी हो गए। वो सब सरकार प्रति आक्रोशित बनत पीड़ा एना का व्यक्त कर रहल छे। कौन समस्या आई हमनी के साल भर घर टूटला भेला आ जा रहे हम सब मरी छी कठुआ कठुआ के आ घर तोड़ तोड़ के ओई पर पानी धद के हमनी सब के ना रही छी आ कह छी आई अतै बिहान अतै आई अतै बिहान अतै आ होते होते साल लाग गेल। अब कते दिन दुख करब आ कते दिन अनका घर में जाऊ आए हमनी खाए पर आफत हबे तब ना हमनी कह छी सरकार बना दे तो ओई में रह आ खाए ला रहे तो कहती सरकार बना दे तो अपने बना लीते। कते दिन से घर टूटल है? साल भर भेल पराही महीना से नए साल में से टूटल है ना घर तोड़ देले दूसरा के घर बनाई सब एनी से नी घर छत में ना बना दे छी ना कुछ पर नए साल से नहीं टूटल नए साल में रही हमरे घर अगोर ले कनी मिथिलेश के घर वाली से
पढ़े से ऐसा कैले है ना बना दै छै ना किछो ताले कहै छै एगो फेन रोजना आती मधु आ छत पिटाय वाला त लेटिन त कल यत किछो न दै छै दिक्कत है कथी होती कठुआ जार में बबुआई छे बाल बच्चा सब चीज कर छे पाली के तब पर कोहार लगैले छी गरीब छी हमने के देती ना यार ई रहती बन गेल त आरो कोई के आईती आई आई एते टाइम लगा देल कहै त अब दोसर रोज ना कहिया आती हम कुटा के दशा होय छे हां कथी करे करै में आई छे पाली जार लगै छे जार न लगै छै कहीं बात घर टूटला से ई समस्या है जी अपना के छुछुर के मार रहा कत बकरी पछु मार गेला गरीब जो कैसे छी सब बकरी पछु ले छी ओ सब मार गेला जे में धोखा में कितनी करती गाठी भी इतना है जरा कछ न छी एक दिन के कम चार दिन खाय छी ओ सरकार का नान पान भेजबै छै आय करन भेजबै छै गरीब जो खा के ले ना है जगत में ना है तो एक झूर के करो है करो 10 झूर 5 झूर है केकरो 8 झूर है तो वो केना गुंडास करते भगना थाना सब बनवा लियो घर में केना करते कबर रहते ओकर जगत में केना है जके ना बनावे के है आ झूठो की ईटा भेजबै ईटा साल भर से घर टूटल हवे अनकरा के घर में रही छी बाल बच्चा के मन खराब होय सर्दी खोखी होय ठंडी में माल जल रलक से बकरी पठू मर गेलक अपने मन खराब हो झापा से हवा बिहार से लगे महत्तरी में 2073-74 में 1000 घर बनेवा कहल गेल में 550 जतिक मात्र निर्माण प्रक्रिया में रहल छे और बाकी अखनो प्रतीक्षा में छे आर्थिक वर्ष 2074-75 में समेत सरकार और 1000 दलित आ विपन्न वर्ग के घर देवाक निर्णय कोई ने छल मुदा ई घर कता आ के पाउत अखनो स्वीकृत होव नहीं सकल छे जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत महत्तरी के समसी गांव पालिका वडा नंबर 7 तक दलित बस्ती में भवन के अध्यक्ष सभक कथन एहन छे एक साल भेले बुझली आ जाय छी ऑफिस में त कहै छी गंगाराम न हो त फलाराम न हो तमा से दर्द दर्द तबाह हो गेल छै त कहिया बनतै घर आ वाई के टाइम दे ले जाय अभी से किना भी छै एक हफ्ता दो हफ्ता टाइम दे छी जनता आवाज वाला ऊ जे कल के दोसर फंड में पैसा आ गेलै वहां से दिक्कत रहले अब अथी हो जाय छै तो ऐसे लेट लाग गेलै कते दिन आरो लगते अब जाय आज काल परसु फोन कर दे कैसे होई बोला कि तो अब देखि कर के दिन हो गेल साबिक में शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिवीजन कार्यालय जनकपुर जनता आवास योजना देखते आयल में आब ई कार्यक्रम प्रदेश अंतर्गत के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय अंतर्गत गेल छे एहि विषय में जनकपुर स्थित भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय कार्यविधि बन चुकल कहत जनता आवास कार्यक्रम आब गति पैबाक दावी कऽ रहल छे अखन देशक कुल जनसंख्या के 13% अर्थात 34,58,000 लोग आवास विहीन अवस्था में रहल सरकारी तथ्यांक छे 2080 साल धरि में सब नेपाली के आवास उपलब्ध करेवाक लेल 20,00,000 नया घर बनेवाक लक्ष्य के साथ सरकार 2 वर्ष पहिने जनता आवास कार्यक्रम आने छल मुदा गरीबक लेल कहकर सरकार से आनल गेल ई कार्यक्रम व्यवहार में लागू नहीं भेला से ठंडा में कठुआ रहल गरीब आ दलित वर्ग बेघर भ कर रह बाध्य बनल छे अपन टेलीविजनक लेल महत्तरी से दीपक पांडे की रिपोर्ट ठंडी पड़ला संगे आग पाकि घायल भेनिहार के संख्या बढ़ लागल धनुषा लगात मधेसर जिला में बढ़ल ठंडी आ शीतलहर से बच आग ताबा क्रम में पाकि घायल भेल सबक संख्या बढ़ लागल जनकपुर अंचल अस्पताल जनौलक जनकपुर अंचल अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार शाह औसत में हरेक दिन 5 गोटे से पाकि घायल भेनिहार सब आबि रहल जानकारी दिलन समस्या की है बॉन वार्ड हमरा सबके पास बहुत कम है पाकल पेशेंट जितना रहे सब एकदम कम आर्थिक स्थिति बिलो एवरेज लाइन के पेशेंट सब रहे आर्थिक स्थिति विपन्न परिवार के रहे एकरा सबके लिए हमसे रेफरडो करै छियै ती सब जाय लागे नहीं मानित रहे समस्या है पैसा के समस्या है तो अखनी हम सब इमरजेंसी में अभी भी 5 गो बॉन पेशेंट है कत पठी हो दिक्कत है मैन पावर के दिक्कत है दोसर बात की है बॉन के इन्फेक्शन प्रिवेंशन एकदम जरूरी रहे एहिमे किनका पेशेंट पार्टी सबके भी सहयोग बहुत जरूरी है हमसे हरेक दिन से जेना ये पेशेंट छथिन 2 महीना से शायद बैठल छथिन हाँ अब बहुत दिन कहला से आप किनका बुझे छथिन लेकिन बाकी सबके कतबो कहला से अपने स्थिति देख सकै छियै स्थिति जे जेना वार्ड के हाँ कतबो कहला पर सब सर सफाई में नहीं रहै छथिन डेली अखनी 5 बर्न पेशेंट लगभग डेली आ रहल है मैक्सिमम बर्न पेशेंट घुराब में आगे तापे बेर में हाँ 10
दस गो में से 9 गो पेशेंट फीमेल पेशेंट है, लेडीजे है, जेंट्स एकदम कम है। एहन घटना सब बच आग ताबा क्रम में अपना आगे के बीच के दूरी ख्याल राख, गरम कपड़ा लगाव तथा आग लगला पर तुरंत कोनो पेस्ट आ मलहम नहीं लगा कर झरकल ठाम के ठंडा पानी राख कर तुरंत अस्पताल आब सलाह दिलन। आग से झर के अस्पताल अनिहार घायल सब अधिकांश विपन्न वर्ग के अभी धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय जाट तथा शीतलहर से पीड़ित विपन्न वर्ग के गरम कपड़ा वितरण शुरू कलक। धनुषा का प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कडेल मंगल के राय जनकपुर धामक छौ स्थान पहुँचकर कमल वितरण कलन। ओ रेलवे स्टेशन, जनक चौक, राम मंदिर, गोपाल धर्मशाला, जानकी मंदिर आ अंचल अस्पताल पहुँचकर विपन्न वर्ग 21 गोटे के कमल हस्तांतरण कलन। प्रमुख जिलाधिकारी कडेल जनकपुर के नाइट लाइफ के अनुगमन के क्रम में भेटल व्यक्ति के कमल हस्तांतरण कैने बतौलन। सत्तल हॉस्पिटल में विपन्न लोग केना बैसे से कह के देखे चलिए, कुछ विपन्न आदमी सब के कोनो माँ के गुजारा चलाए वाला आदमी सब भी देखने वो सब के कम्बल वितरण भेलै। बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र विकास समिति से मिलल कुछ कम्बल सब बटाए गेलै। अभी दूसरा संस्था सबसे निकाय सबसे भी हम आह्वान करे चाहे छी, अगर कोनो आदमी विपन्न कम्बल बृहत जनकपुर विकास समिति उपलब्ध कराने से कडेल जानकारी दिलन। प्रमुख जिलाधिकारी विपन्न वर्ग के सहयोग कर इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्था के अपने अथवा जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहयोग कर अपील से कैने। आदिवासी जनजाति से मांगे संक्रांति के दिन सार्वजनिक दिन के मांग करते प्रदेश रमदू के सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश कलक। नेपाल मंगर संघ प्रदेश दुई समिति के संगे आदिवासी जनजाति के अगुआ सब विदा कटौती फिरता के मांग करते काल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के संयुक्त रूप में ज्ञापन पत्र बुझौलक। ओ सब विदा कटौती फिरता के लेब केन्द्र सरकार के दबाव देव आग्रह कलक। जवाब में मुख्यमंत्री राउत विदा के निर्णय फिरता कराब अपना प्रयास करवाक आश्वासन दिलन। ज्ञापन पत्र बुझौने आदिवासी जनजाति अगुआ सरकार विदा कटौती क कैल एकल समुदाय के पावन के पक्ष पोषण कने आरोप लगौलक। महासंघ को आदिवासी ले पाई रखने यो विदा कटौती भगमा हम एकदम हम कटौती चाहिए होने फिर स्थापना होस् भाहना हम ज्ञापन पत्र बुझा आगे। मौलिक सांस्कृतिक पावन माघे संक्रांति थारू समुदाय के माही आ खस आर्य के मगर संक्रांति के धूमधाम के मनाओल गया से वही दिन सार्वजनिक विदा दिल जेबक हुन सबक सार्वजनिक लेखा समिति अंतर्गत के उप समिति व्हाइट बर्ड विमान खरीद में दोषी देखल गेल कहित बहालवाला मंत्री रविन्द्र अधिकारी सहित दू पूर्व मंत्री दू बहालवाला आ एक पूर्व सचिव आ निगम के महाप्रबंधक के कार्यवाही कर सिफारिश कलक। उप समिति व्हाइट बर्ड विमान खरीद कैल समय सरकार के 4,35,56,00,000 नुकसानी भेल देखल गेल कहित ओही प्रकरण में दोषी देखल गेल सबके कार्यवाही के सिफारिश कैल गेल। उप समिति नुकसानी के रकम बैठ सकबाक संभावना रहल सेहो जनौलक। पापतको रकम सोही हाइफाई यक्स आयोजनलाई भुक्तानी गर्न सटै सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णयबाट गरिएको देखिँदा तत्कालीन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीको लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारिस गर्दछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको 5औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुन सम्म नदेखेको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्बन्धित सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र 22 नियमकै कार्यदल बनाई सत्य तथ्य बाहिर नल्याएको यस उपसमितिमा छलफलको
उप समिति तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन बहादुर शाही जितेन्द्र नारायण देवा हालक मंत्री रविन्द्र अधिकारी के व्हाइट बॉडी विमान खरीद के भ्रष्टाचारी में संलग्न रहल कहित कानून सम्मत कार्यवाही कर सिफारिश कलक सार्वजनिक खरीद ऐन 2063 के विपरीत अनियमित तरीका से विमान खरीद कार्रवाई आगा बढ़ाल गेल समिति के दावी अस संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वायु सेवा निगम के अध्यक्ष रहला पर यथेष्ट सतर्कता अपनाकर निर्देशन देव नहीं सकल बैना रकम सटही सुविधा प्रदान कर तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री शाही निर्णय कैने उप समिति के ठहर अमें मंत्री के हैसियत से शाही सतर्कता नहीं अपनाने में आ रोकबा के लिए निर्देशन नहीं देने देखल गया नैतिक जिम्मेवारी लेते कानून सम्मत कार्यवाही के सिफारिश कैल गया तेना तत्कालीन पर्यटन मंत्री जितेंद्र नारायण देव हाई फ्लाई एक्स एयरलैंड कंपनी से जहाज खरीद के लिए कानून विपरीत समझौता भेल बात नजरअंदाज के पहल किस्ता बापत रकम भुगतानी आ सटही सुविधा देव सचिव स्तर निर्णय कैने देखल गया से दोषी ठहर कैल गया बहाल वाला मंत्री अधिकारी विमान खरीद प्रक्रिया कानून सम्मत नहीं देखल गल स्पष्ट होत एक जाँच नहीं कानि बुझ के अंतिम किस्ता रकम भुगतानी कर आदेश देने ठहर कैल गया भुगतानी के दिलो पर भुगतानी नहीं देने कहक गलत विवरण देने कहित मंत्री अधिकारी के कानून बमोजिब कार्रवाई का सिफारिश कैल गया तहिना उप समिति निगम के महाप्रबंधक सुगंत रत्न कंसाकर बंदनीयत राख के जहाज खरीद प्रकरण में अख्तियारी के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार कैने देखल गया से तत्काल निलंबन का हृदय हद धैर्य के दंड सजाए कर नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के निर्देशन देव कहल गल निगम का संचालक समिति का अध्यक्ष रहेका प्रेम कुमार राई शंकर अधिकारी कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरीद अनियमितता में प्रमुख भूमिका खेलने निगम का महाप्रबंधक सुगंत कक्षाकार ने बदनियत राखी जहाज खरीद प्रकरण में अख्तियार को दुरुपयोग करी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले निजहरूलाई कानून बमोजिम तत्काल निलम्बन करी हदैसम्म को दंड सजाय करी कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन यस उप समिति सार्वजनिक लेखा समितिमा सिफारिस गर्दछ। उप समिति वायु सेवा निगम के संचालक समिति के तत्कालीन अध्यक्ष रहल पर्यटन सचिव प्रेम कुमार राय पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी आ कृष्ण प्रसाद देवकोटा के कार्यवाही का सिफारिश कलक सचिव राय एखन गृह मंत्रालय में सचिव अस शंकर अधिकारी सचिव से अवकाश पाबि चुकल दोसर सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटा बहाल वाला पर्यटन सचिव अस उप समिति विभिन्न निरीक्षण के नाव में करीब 1 करोड़ रुपया बराबर के नुकसानी भेल कहित निरीक्षण टोली में संलग्न 38 गोटे से क्षतिपूर्ति भराबर सिफारिश कलक निरीक्षण टोली में रहल अधिकांश प्रावधिक ज्ञान नहीं भेल संलग्न भेल पुष्टि भेल से उप समिति के प्रतिवेदन में लिखल उप समिति काल व्हाइट बॉडी विमान खरीद में संलग्न सबके कार्रवाई सिफारिश कने प्रतिवेदन समिति में बुझौलक व्हाइट बॉडी खरीद प्रकरण विषय में जाँच कर समिति बीतल अघन 26 गते राजेन्द्र कुमार केसी के संयोजकत्व में 7 सदस्य उप समिति गठन कने छल। आप खेल समाचार दोसर सभामुख भलीबल प्रतियोगिता में सहभागी होबय लागल प्रदेश 2 के खिलाड़ी सबके विदाई कल गेल जनकपुर धाम स्थित प्रदेश सभा परिसर में काल सभामुख राजकुमार यादव खिलाड़ी सबके विदाई कलन प्रतियोगिता पुष 19 गते से 23 गते धरि सुनसरी के इठरी में संचालन होबय लागल खेलकूद मंत्रालय के अगुवाई तथा संघीय सरकार के सभामुख के आयोजना में होबय जा रहा प्रतियोगिता में सहभागी होबय वाला खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक के सभामुख यादव काल विदाई कलन प्रतियोगिता में सातु प्रदेश 3 विभागीय टोली आर्मी सशस्त्र आ नेपाल प्रहरी के 10 टीम सहभागी हमरा सबके प्रदेश से खास करके 8 जिला है तेमे वॉलीबॉल के पुरुष वॉलीबॉल में विशेष करके अपने के धनसा जे बारम्बारी बीच में प्रतियोगिता हली तेमे प्रथम स्थान हासिल करी तलिए और महतरी दोसर तो विशेष करके ए प्रतियोगिता में धनसा महतरी प्लस में परसों के खिलाड़ी सहभागिता है सीढ़ो के खिलाड़ी सहभागिता ए ढंग से 3-4 जिला के समावेश करके हमरा सबके 15 जना के टोली जैमे एगो फुल प्रशिक्षक हम अपने भेली एगो सहायक प्रशिक्षक
प्रदेश नंबर दुई के 12 खिलाड़ी प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक 15 गोटे के टोली काल सुनसरी गेल प्रतियोगिता में प्रथम होवला टोली के 5 लाख नगद दोसर के 3 लाख आ तेसर के 1 लाख सहित शील्ड आ मेडल दल जाए इस पहले सामूहिक प्रतियोगिता रोल्पा में बैसाख में भेल छल। नया प्रशिक्षक गुन्नर सोल्जियर प्रशिक्षण सम्हारल बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार 4 जीत निकाललक इस बुध के रात भेल खेल में यूनाइटेड न्यू कैसल के 2-0 गोल से हरौलक इस न्यू कैसल के घरेलू मैदान में भेल खेल रोचक के खेल पहल हाफ गोल रहित बराबर में संपन्न भेल छल मुदा 64 मिनट में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी रोमेलू लुकाकू गोल करते पाहुन टीम यूनाइटेड के अग्रता दिलौने के बाद 80 मिनट में माकुर्स राशफोर्ड दोसर गोल कलक जीत के बाद यूनाइटेड प्रशिक्षक गुनर अपना से क्लब छोड़ नहीं चाहल प्रतिक्रिया दिलक एम्हर दोसर खेल में जेल्सी बॉटम 3 में रहल क्लब साउथ हैमसन गोल रहित बराबरी में लोग रोकल जीत बाद यूनाइटेड 21 खेल से 38 अंक बनाने त जेल्सी का 44 अंक रहल। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से धनुषा मोटरसाइकिल ठक्कर देला से एक पुरुष के घटनास्थल में मृत्यु जनता आवास कार्यक्रम सुस्त मोस्तरी के विपन्न वर्ग जाड़ में से घर नहीं पोलक ठंडी बढ़ला संगे आई से पाई का घायल भेनियार के संख्या बढ़ल शीतलहर से पीड़ित के गर्म कपड़ा वितरण शुरू विमान खरीद में 4 अरब 35 करोड़ से बेसी का भ्रष्टाचार मंत्री अधिकारी दू सचिव महाप्रबंधन सहित का संगता रहा लेखा उप समिति का ठहर। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार 4 जीत निकाललक व्यस्त अपन समाचार ठाम सम्पन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन नमस्कार।